हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो है ये, लेकिन इसको देखिएगा पूरा, क्योंकि ये आपके एसीज को ठीक रखने में मदद करेगा। आपके एसीज को मिनिमम कितनी वोल्टेज चाहिए होती है और मैक्सिमम कितनी वोल्टेज चाहिए होती है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये बात पता है तो आप एक अच्छा स्टेबलाइजर खरीद पाएंगे। किसी भी एसी को ठीक से काम करते रहने के लिए मिनिमम 200 वोल्ट की सप्लाई चाहिए ही होती है और मैक्सिमम 245 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है। अगर इस रेंज के बीच में 200 टू 245 वोल्ट रेंज के बीच में सप्लाई एसी को मिल रही है तो वो ठीक से काम करता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इस रेंज से कम वोल्टेज सप्लाई आप दे रहे हैं एसी में तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, और 245 से ऊपर वोल्टेज उसमें जा रही है तो भी उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, क्योंकि वोल्टेज स्टेबलाइजर्स का काम है वोल्टेज को करेक्ट करना या फिर स्टेबल करना। स्टेबल का मतलब वही होता है कि 200 से 240 या 45 के बीच में रखना इसको। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेबलाइजर्स हैं जो ये काम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेबलाइजर्स हैं जो ये काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं और जिनके कारण फिर हमारे एसी खराब हो जाते हैं, ज़्यादातर उन एरियाज में जहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप या सर्ज रहता है, फ्रीक्वेंटली रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बड़े शहरों की तो यहाँ पर 200 से 240, 245 के बीच में ही वोल्टेज सप्लाई ग्रिड से आती है, तो इसीलिए यहाँ पर जो सस्ते वाले वोल्टेज स्टेबलाइजर हैं वो भी चलते रहते हैं। लेकिन जिन एरियाज में सर्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पर फिर सस्ते वाले स्टेबलाइजर्स चल नहीं पाते हैं। उसकी वजह क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ या जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाली है अनब्लॉक चैनल के ऊपर, उसकी बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं। और उस वीडियो में मैं लाइव टेस्टिंग करूँगा स्टेबलाइजर की, जिसमें आपको हाई लो कट ऑफ फीचर का भी पता लग जाएगा और वर्किंग रेंज का भी पता लग जाएगा। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो स्टेबलाइजर्स होते हैं उनके ऊपर वर्किंग रेंज लिखी रहती है, और उसी वर्किंग रेंज को ध्यान में रखकर या देख कर हम स्टेबलाइजर खरीदते हैं। कोई 150 से है, कोई 170 से है, कोई 130 से है, कोई 100 से है, कोई 90 वोल्ट से है, तो अलग अलग हैं। अब जैसे ये है ये 90 वोल्ट से है, ये है ये 150 वोल्ट से है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि ये 150 वोल्ट से 200 बना देगा या ये 90 वोल्ट से 200 बना देगा, इसके लिए तो इसको चेक करना पड़ेगा। तो वो जो लाइव टेस्टिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बना के दूंगा। लेकिन यहाँ पर आप एक बात समझ के चलिए कि जो वर्किंग रेंज होती है लिखी हुई, वो एक्चुअल ऑपरेशनल वर्किंग रेंज नहीं होती है। उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जैसे अब इस पे 150 वोल्ट लिखा है, तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर 150 वोल्ट से सप्लाई आएगी तो ये काम करता रहेगा, बंद नहीं होगा, सप्लाई देता रहेगा, लेकिन कितनी ये इसके ऊपर मेंशन नहीं किया हुआ है, वो हम टेस्ट करेंगे अगली वीडियो में, मैं दिखाऊंगा आपको। इसका सिर्फ मतलब ये होता है वर्किंग रेंज का कि 150 से अगर कम सप्लाई आएगी तो इसका लो कट ऑफ फीचर काम करेगा और इसकी सप्लाई को काट देगा। सिमिलरली 280 वोल्ट से अगर ऊपर सप्लाई इसमें आएगी तो इसका हाई कट ऑफ फीचर सप्लाई को काट देगा। ये वर्किंग रेंज ये होती है। इसी तरह से ज़्यादातर स्टेबलाइजर्स में ये लिखी जाती है, जैसे ये कैंडिस का है, इसमें आपको मिलेगा इनपुट 90 वोल्ट टू 280 वोल्ट, तो इसका मतलब यही है कि 90 वोल्ट से अगर कम सप्लाई इसमें जाएगी तो ये सप्लाई को काट देगा आउटपुट को, और सिमिलरली 285 से ऊपर अगर इसमें सप्लाई आ रही होगी तो ये सप्लाई को काट देगा, आपके एसी में नहीं जाने देगा सप्लाई को, ताकि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो ख़राब ना हो। तो इनकी लाइव टेस्टिंग तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि आपको अगर कोई स्टेबलाइजर लेना है तो उसकी वर्किंग रेंज जो आप देख रहे हो वो 10, 20, 15 एक्स्ट्रा लेके चलिए, क्योंकि हर स्टेबलाइजर में कुछ ना कुछ आपको वेरिएशन मिलेगा ही मिलेगा। जितना लिखा रहता है उतना एक्चुअल होता नहीं है। तो अगर आपको 130 से चाहिए तो आप कम से कम 100 वाला खरीदिए, आपको 170 से चाहिए तो आप 150 वाला खरीदिए, तब आपको 170 से एक्चुअल वो मिलेगा। इसका जो प्रूफ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि उसमें लाइव टेस्टिंग करूंगा तो आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। इस वीडियो में होप सो आपको जो मैं बताना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे कि एसी को चलाने के लिए जो वर्किंग रेंज है वोल्टेज की सप्लाई की, वो 200 वोल्ट से 245 वोल्ट होनी चाहिए, और जो हमारे स्टेबलाइजर्स हैं उनकी आउटपुट रेंज भी उतनी ही होनी चाहिए अगर आप एसी के लिए खरीद रहे हैं, नहीं तो फिर वो एसी रिस्क पे है स्टेबलाइजर लगाने के बाद भी। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो करेंगे टेस्टिंग की वीडियो, जिसकी बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास,
तो ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा, एक दो दिन में आपको वीडियो मिल जाएंगी जिसमें लाइव टेस्ट करेंगे इस स्टेबलाइजर्स को और फिर देखेंगे कि इनकी क्या एक्चुअल वर्किंग रेंज है। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी हो तो। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।